गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेल, बहुत बढ़िया होंगे आई होप। सो पढ़ाई अच्छी चल रही है? अच्छा, चलो। सो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। और एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा, जब मीडियम चेंज होती है तो नॉर्मल की ओर, रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर, और डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे। और इस चीज़ का एप्लीकेशन हम लोग देख रहे थे मछली और बगुले की कहानी को समझते हुए। सो एप्लीकेशन तो उसका हो गया, और भी एप्लीकेशंस हैं जिसको आज हम बताएंगे, और TIR के माध्यम से बताएंगे। TIR क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों आज का हेडिंग हमारा यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देखो चैप्टर रिफ्लेक्शन है, यहां लिखे है रिफ्लेक्शन, तो इस बात को ध्यान देना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इस टॉपिक पर जाने से पहले हम तुमको बोले थे क्या बोले थे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिखवा देंगे, बता दिए थे, उसको लिखा देना था। तो पहले उसको लिख लो, मिटा दे रहे हैं इसको। क्या बोले थे तुमको कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिखा देंगे, बता दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बच्चों तुमको बताए थे कि ये हमारा सरफेस 1 हो गया और ये हमारा सरफेस 2 हो गया। एक इंसिडेंट रे ऐसे आई और सरफेस 1 पर इंसिडेंट की, ठीक है, ये पैरेलल सरफेस के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक ना, पैरेलल सरफेस है, दोनों सरफेस आपस में पैरेलल है। तो ये नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाती थी, फिर रिफ्रैक्शन होता था तो ये नॉर्मल के साथ आर बनाती थी। फिर इस पॉइंट पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे। अब ये भी नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं, तो दोनों परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल हो जाएंगे, जिससे ये आर, तो ये भी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल द्वारा। अब सुनो, अब फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और फिर पहले मीडियम में जा रही है, ये और ये पहला और तीसरा मीडियम हम लोग सेम रखते थे, तो क्या होता था, नॉर्मल से दूर भागेगी। ये रेयरर था, म्यू वन क्या था, रेयरर म्यू वन लेस देन म्यू टू, सो फिर इस तरह से चली जाएगी। और इसको बोलते थे बच्चों इमर्जेंट रे, क्या बोलते थे, इमर्जेंट रे, और ये एंगल ई, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल ई होता था जब सरफेस 1 पैरेलल टू सरफेस 2 एंड म्यू 1 इक्वल टू म्यू 3, म्यू 1 म्यू 3 बराबर हो, यानी म्यू 1 और यहां भी म्यू 1 होने चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया था। अब बोले थे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बच्चे तुमको बताए थे, मान लो ये मीडियम नहीं होती तो क्या होता सर, ये मीडियम नहीं होती तो सर, ये मीडियम नहीं होती तो होता यह कि जो लाइट आ रही थी वो कहीं डिविएट नहीं करती, इस तरह से चली जाती है, इसी तरह से न जाती, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो मीडियम होने के कारण रिफ्रैक्शन हो गया, जिस वजह से लाइट रिफ्रैक्ट इधर की और फिर अगेन रिफ्रैक्शन के बाद इधर चली गई, तो वो अपने रास्ते से कुछ भटक गई, ओरिजिनल रास्ते से इधर की उधर किधर भी हुई डेविएट हो जाएगी, वो रेयरर है डेंसर है उस पर डिपेंड करता है इधर जाएगी कि उधर जाएगी, तो अपने रास्ते से डेविएट कर गई, और इसी डेविएशन को बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट कर गई, लेटरली डिस्प्लेस, इधर जा रही थी या तो दाएं हो जाएगी या फिर बाएं, दाएं या बाएं को बोलते थे लेटरल, याद है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, याद करो, उसमें लेटरल इन्वर्सन होता था, दाएं अंग का बाएं अंग एंड बाएं अंग का दाएं अंग दिखाता था, तो उसको बोलते थे लेटरल इन्वर्सन, पलट गया। इसी प्रकार इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, वो अपने रास्ते से डिस्प्लेस कर गई। अब कितना दूर डिस्प्लेस की बाबू, तो कोई बोलेगा कि सर देखिए ये इसका ओरिजिनल रास्ता है
और यहाँ से हम बना रहे हैं, ये इस तरह से और इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल रास्ता है सर, और ये इसका इमरजेंट है। कोई बोलेगा देखिए यहाँ से यहाँ ये 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस गई है, कोई कहेगा नहीं 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 2 सेंटीमीटर आप गलत मेजर कर रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ ये इस तरह से 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस की गई है, अब बताओ कौन सही है। तो कोई 2 बोलेगा, कोई 4 बोलेगा, कोई कहीं से मेजर करेगा, तुम कहीं से करोगे, सबका आंसर डिफरेंट आएगा और सबका स्केल सही होगा, सब मेजर तो करेंगे सही सही, लेकिन सबका आंसर अलग आएगा। इसलिए बताया बनाया गया एक नियम कि भैया जो भी मेजरमेंट करना है आप कहीं से कीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखिए, जब जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लीजिएगा बच्चों तब तब ये सेम चीज आने वाला है। 2 है तो 2 ही आएगा, 3 है तो 3 ही आएगा, ये सेम चीज आने वाला है। और इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बच्चे बोलते हैं क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि सबका आंसर सेम आए, सबका आंसर सेम आए नहीं मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। और ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे भी पैरेलल होंगे, तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक जगह पर सेम हो गया। यानी इमर्जेंट रे यानी इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे पैरेलल भी होती है। तो इतना कहानी था हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब इस चीज को लिख लेना था केवल, तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं ये म्यू1 लेस देन म्यू2 को हम इधर करते हैं, म्यू1 लेस देन म्यू2। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं बच्चों, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का वास्तविक रास्ता, ये तो सब डेविएशन के कारण हुआ है, रिफ्रेक्शन के कारण, तो एक्चुअल पाथ इंसिडेंट रे का तथा इमर्जेंट रे के बीच का 90 डिग्री पर जो मेजर किया गया डिस्टेंस हो यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे के एक्चुअल पाथ तथा इमर्जेंट रे के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बच्चों लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, अब हम लोग इसके आगे TIR देखने वाले हैं, नोट करो इसको। चलिए बच्चों तो इसको मिटा दें, इसके बाद बच्चों हमारा है टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR ये क्या होता है बच्चों, तो अब सुनो। पहला चैप्टर में हमने पढ़ाया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें एक लाइट रे
ट्रेवल करके मीडियम में आती थी और किसी स्मूथ प्लेन सरफेस से या कर्व सरफेस से या यूं कह लो मिरर से, ठीक है, मीडियम से मीडियम में चली आई, आके मिरर से टकरा के फिर उसी मीडियम में चली जाती थी जिस मीडियम से आती थी, यानी एयर से आ रही है तो टकराकर एयर में ही चली जाती थी, वाटर में चल रही हो तो टकराकर वाटर में ही चली जाए, ग्लास में चल रही हो तो ग्लास में ही टकराकर चल जाए, यानी रिफ्लेक्शन यानी टकराकर फिर उसी मीडियम में चले जाना जिस मीडियम से वो आ रही थी, इसी को तो बोलते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, याद है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता था बच्चों कि जैसे लाइट ट्रेवल किसी मीडियम से कर रही थी तो अब सामने जो होगा प्लेन सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, मिरर में क्या करता है मिरर डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, मिरर अपने से लाइट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करता था, लेकिन यहां मीडियम चेंज होगी, मीडियम मानी ऑप्टिकल मीडियम, और ऑप्टिकल मीडियम उसको बोलते हैं बच्चों याद करो जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो जैसे ही एयर से चल के कुछ और मीडियम आया या वाटर से चल के कुछ और मीडियम आया तो फिर मीडियम चेंज यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, तो लाइट रिफ्रैक्ट कर जा रही थी, लाइट रिफ्रैक्ट कर जा रही थी, बेंट कर जा रही थी, ठीक है। और इसमें भी हमने दो कंडीशन देखे थे जिसमें लाइट डज नॉट रिफ्रैक्ट, एक परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराइए, दूसरा म्यू वन म्यू टू सेम होने चाहिए। तो इतना हमने करके देखा था और इसका एप्लीकेशन भी अब तक हम लोग करते आए हैं। अब जो है आया है हमारे सामने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, ये क्या चीज होता है। तो देखो है क्या लिखे है रिफ्लेक्शन और पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर रिफ्रैक्शन, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं इसी चैप्टर से है और कहीं ना कहीं इसका संबंध पहले चैप्टर से भी है। रिफ्लेक्शन है तो पहला चैप्टर और इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इससे संबंध, मतलब इससे मीडियम का भी संबंध है। इस चैप्टर में किससे संबंध, रिफ्रैक्शन यानी मीडियम का चेंज होना, तो मीडियम को हम बदलेंगे और फिर भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन नहीं होगा यानी परपेंडिकुलर आप इंसिडेंट कराइए, कोई डेविएशन नहीं, म्यू वन म्यू टू सेम रखिए, कोई डेविएशन नहीं। अब सुनो क्या होने वाला है यहाँ पे, हम ना ही परपेंडिकुलर गिराएंगे और ना ही दोनों का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रखेंगे, फिर भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, किसी एंगल पर गिराएंगे तब नहीं होगा। समझ में आ रहा है। इस केस में क्या करेंगे बच्चों, इस केस में ये हमारा म्यू वन और ये हमारा म्यू टू, ये हमारा म्यू वन और ये हमारा म्यू टू। तो नॉर्मल गिराओगे परपेंडिकुलर तो याद करो कोई रिफ्रैक्शन नहीं, सीधा चली जा रही थी। अब यदि म्यू वन इक्वल टू म्यू टू होता था तो याद करो कोई रिफ्रैक्शन नहीं, चली जाती थी। अब यहां पर क्या है बच्चों कि म्यू वन लेस देन म्यू टू यानी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होगा, क्या होगा सेम नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन ना होने के लिए हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, लेकिन हम बिना परपेंडिकुलर गिराए भी रिफ्रैक्शन नहीं होने देंगे, बिना परपेंडिकुलर गिराए भी रिफ्रैक्शन नहीं होने देंगे। तो फिर क्या होने देंगे, रिफ्रैक्शन यानी क्या होगा, रिफ्रैक्शन का मतलब समझते हो, रिफ्रैक्शन का मतलब कि भी लाइट रे आ रही है जब मीडियम चेंज हो रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाना, साथ ही साथ उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाना, क्या हो जाना वेलोसिटी भी चेंज होना। तो अब देखो यहां क्या करने वाले हैं हम, म्यू वन म्यू टू, अब म्यू वन लेस देन म्यू टू है यानी ये हमारा रेयरर है, ओके, और ये हमारा डेंसर है, ठीक है, ठीक है दोस्त। आगे देखो अब क्या करेंगे, इस बार हम लाइट रे को क्या करेंगे, लाइट रे को डेंसर से रेयरर में ले जाएंगे, डेंसर से रेयरर में लेकर जाएंगे। तो तुमको पता है क्या होने वाला है, डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होता है, मान लो ये हमने एक लाइट रे इंसिडेंट कराया डेंसर से रेयरर में, तो हम एक यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बच्चों, हम एक यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे
ओके और नॉर्मल के साथ बनाने वाले एंगल को हम आई बोलते हैं, पता है तुमको। अब सुनो, डेंसर से रेरर में जाएगी तो तुमको पता है ये नॉर्मल से अवे भागेगी, दूर भागेगी। तुम इस तरह से बनाओगे इसको, ये लीजिए सर आ गई, और इसको हम लोग आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो डेंसर से रेरर में जाने से नॉर्मल से दूर भागती है। चलिए अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट यानी कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदल बदल कर देखने जा रहे हैं। स्नेल साहब यही करते, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदल रहे थे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदल रहा था, और साइन आई बाई साइन आर हमेशा एक कॉन्स्टेंट आता था जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते थे, याद करो। तो खैर यहाँ स्नेल्स लॉ हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ लिए हैं। हम यहाँ क्या करने जाएंगे, हम यहाँ एंगल को चेंज करेंगे, एंगल को चेंज करेंगे। मान लो आई पर गए, अब थोड़ा और एंगल बढ़ाया जाए, थोड़ा और एंगल बढ़ाया जाए, ठीक है। ये इंसिडेंट, अब हमने मान लो इतना एंगल रख दिया, ठीक है, तो इसका ओरिजिनल रास्ता तो इधर, थोड़ा और ये नॉर्मल से दूर भागेगी। देखो परपेंडिकुलर जाती है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं, थोड़ा सा इधर झुकी, थोड़ा इधर भागेगी, थोड़ा और झुकेगी, थोड़ा और भागेगी, थोड़ा और झुकेगी, थोड़ा और भागेगी। तो हमने इसी तरह से थोड़ा और भागाया, तो इसका जो ये मान लो आई वन है, ये हमारा आर वन है। अब जो हमने ये भेजा है इसको आई टू बोल दें, क्या बोल दें, आई टू इंसिडेंट रे टू। तो इसका रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस तरह से निकलेगा, कुछ इस तरह से निकलेगा, ओके, ये हमारा आर टू हो गया, ठीक है दोस्त। तो इसी तरह से हम एंगल बढ़ाते रहेंगे, धीरे 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 एंगल बढ़ाते रहेंगे, और धीरे धीरे रिफ्रैक्टेड रे इधर भागते रहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि किसी इंसिडेंट रे के लिए, मान लो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया थ्री, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि बढ़ाते बढ़ाते इधर और उधर झुकते झुकते वो ठीक सरफेस के ऊपर ही चलने लगे, है? हो सकता है ना दोस्त, इंसिडेंट रे से बड़ा होगा रिफ्रेक्टेड रे, ठीक है। याद है डेंसर से रेरर में जाता था तो क्या होता था, आई लेस देन एंगल आर होता था। तो इसको बढ़ाते बढ़ाते वो भी बढ़ रहा है, एक समय ऐसा आ गया कि बढ़ाते बढ़ाते कुछ इस तरह के एंगल पर लेकर चले गए जिस समय जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल से परपेंडिकुलर, यानी ये जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, रिफ्रैक्टिंग सरफेस उसी के अलोंग चलने लगा, रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ही चलने लगा, यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल चलने लगा, यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के जो पैरेलल चलेगा भैया वो तो नॉर्मल से परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हो ना। नॉर्मल क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर। अब आप रिफ्रैक्टिंग सरफेस की ओर ही चल रहे हैं, यानी आप नॉर्मल से परपेंडिकुलर है, तो इस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बच्चों, इस समय जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसको मिटा दे आई वन आई टू को, ये I2 था, ये इस समय हम लोग का जो बड़ा एंगल ये बना, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी थीटा सी, क्रिटिकल एंगल थीटा सी। थीटा सी क्या है बच्चों, हमारा क्रिटिकल एंगल, नाम से ही पता चल रहा है क्या, क्रिटिकल, क्रिटिकल यानी स्थिति गंभीर होने वाली है बाबू, स्थिति गंभीर होने वाली है। स्थिति गंभीर किस तरह की होने वाली है, तो देखो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते गए वैसे वैसे रिफ्रैक्शन का एंगल जो है वो भी बढ़ता गया, एक समय बढ़ते 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 90 हो गया, यानी नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो गया। तो नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो गया,
अब बढ़ाओगे तो क्या होगा? बढ़ाते बढ़ाते तुम मीडियम वन का जो सरफेस रिफ्रेक्टिंग सरफेस था वहां तक तुम लेकर आए, अब बढ़ाओगे तो क्या होगा? तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, अब जैसे ही थोड़ा भी एंगल बढ़ाएंगे तो ये लाइट रे बेंड करके इसी में घुस जाएगी। मीडियम टू से जा रही थी, मीडियम टू से तो मीडियम टू में ही फिर से एंट्री कर देगी। अब मीडियम टू में जैसे ही एंट्री मारेगी तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगी, यानी जितना ये पूरा एंगल होगा, जितना ये पूरा एंगल होगा उतना ही एंगल पे इधर वापस निकल जाएगी। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। ये रे कैसा है? रिफ्रेक्ट की है ना। मीडियम तो हम चेंज कर रहे थे लेकिन ये चेंज हुई नहीं, जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में आ गई। तो सोचो ना, रिफ्रेक्शन में क्या बताए थे? मीडियम का चेंज होना, रिफ्रेक्शन तब होगा जब लाइट की बेंडिंग हो जाए, यानी डायरेक्शन मुड़ जाए। तो देखो डायरेक्शन तो मुड़ गया है, इधर जा रही थी अब इधर जा रही है, यानी डायरेक्शन चेंज हो गया है। साथ ही साथ यह भी बताए थे कि लाइट की वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। क्या होती है? वेलोसिटी भी चेंज होती है, यानी जिस स्पीड से आती है उस स्पीड से थोड़ा कम या बेसी या ज्यादा हो सकती है, तो स्पीड भी चेंज हो रहा है। तो देखो रिफ्लेक्शन के केस में हमने पढ़ा है कि जिस स्पीड से भेजिएगा पार्टिकल को तो न्यूटन के थर्ड लॉ से टकरा के उसी स्पीड से वापस आ जाएगी, पता है तुमको। तो इंसिडेंट रे गई और यहाँ रिफ्लेक्शन हो गया, तो जो वेलोसिटी इधर से हम भेजे थे वही वेलोसिटी लेकर इधर से निकलेगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है, दिशा बदला है नो डाउट, लेकिन उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड जो था चाल था वो नहीं बदला है। यदि पानी था तो पानी में कितना होता था स्पीड? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से हम भेजे हैं, तो ये भी रे 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से जाएगी, यानी स्पीड चेंज नहीं हुआ है। तो जैसे तुम सोच लो, इस डायरेक्शन चेंज हो गया ठीक है, स्पीड चेंज हुआ नहीं हुआ? तो स्पीड चेंज नहीं हुआ तो इसको रिफ्रेक्शन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। रिफ्रेक्शन उसको बोलते हैं जिसमें मीडियम चेंज तो हो ही रहा हो, होता ही है, मीडियम चेंज होने के कारण रिफ्रेक्शन होता है। तो रिफ्रेक्शन उसको बोलेंगे बच्चों जिसमें यदि कोई लाइट रे का स्पीड कम हो जाए तथा उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाए, तब बोलेंगे रिफ्रेक्शन हुआ। यहां डायरेक्शन चेंज हुआ है मानते हैं लेकिन इसकी स्पीड चेंज नहीं हुई है। और सुनो, मीडियम भी चेंज नहीं हुई, मीडियम टू से जा रही थी टकरा के फिर मीडियम वन में ही आ गई, मीडियम टू में ही आ गई, मीडियम टू से जा रही थी और टकरा के फिर मीडियम टू में ही आ गई। तो बोलो जिस मीडियम से चल के आ रही थी टकराने के बाद उसी मीडियम में चली गई, तो बच्चों इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ क्या रिफ्लेक्शन हुआ है कि रिफ्रेक्शन? तो सर यहां से यहां तक तो रिफ्रेक्शन हो रहा था, लेकिन जैसे ही थीटा सी से हम आगे बढ़े, क्रिटिकल एंगल से आगे बढ़े, तो क्या हुआ? लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया और जितना लाइट भेजे थे पूरा का पूरा वापस आ गया। समझ में आया? जितना लाइट हम भेजे थे पूरा का पूरा वापस आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन, टोटल लाइट जितना हमने भेजा था अंदर में ही रिफ्लेक्ट कर गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसलिए इसका नाम भी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये थीटा सी क्या है? तो थीटा सी क्रिटिकल एंगल है बाबू। क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं? तो ये ऐसा एंगल है जिस समय रिफ्रेक्टेड रे R3 जो है यहाँ पे ये वाली, ये R3 जो है नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर हो जाती है। क्या होती है? एट दिस एंगल रिफ्रेक्टेड रे ट्रेवल
परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। इस इंस्टेंट पे जो है बच्चों इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल से परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है, रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल से परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है, तो ये हमारा थीटा सी था। तो इसको नोट करो, इसके बारे में अब हम लोग कुछ लिख लिया जाए, ठीक है दोस्त, इसको नोट करो कुछ लिख लिया जाए। सो स्टूडेंट्स देखो हमने यहां लिख रखा है पूरी कहानी को, हालांकि आधा कहानी है। देखो वी नो दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट, हम लोग जानते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में चलती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यह नॉर्मल से अवे मुड़ती है। ओके, एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, एंड एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, कुछ सर्टेन वैल्यू इंसिडेंट एंगल के होगा, उस समय क्या होगा, रिफ्रेक्टेड रे ट्रेवल परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, रिफ्रेक्टेड रे ट्रेवल परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, दैट इज पैरेलल टू रिफ्रेक्टिंग सरफेस। तो जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ाएंगे बच्चों क्या होगा, रिफ्रेक्टेड रे जो होगी वो सरफेस के पैरेलल चलेगी, यानी नॉर्मल से परपेंडिकुलर चलेगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, मिटा रहे हैं। पैरेलल चलने लगेगी। अब इस समय जो एंगल हमारा बन रहा होगा उसी को हम लोग बच्चों क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। एट दिस इंस्टेंट द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल यानी थीटा सी बोलते हैं। कब, जब रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल से परपेंडिकुलर जाने लगे, उस समय जो एंगल बना होगा इंसिडेंट का, उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ओके, अब क्या होगा, अब थोड़ा भी और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रे अंदर आ जाएगी, जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में आ जाएगी, और जितना एंगल पर जाएगी उतना ही एंगल पर वापस आएगी, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। सो अब क्या करेंगे, और थोड़ा बढ़ाया जाए, इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंट more than critical angle theta c, then the total incident ray will be reflected in the same medium, then total ray, incident ray will be reflected in the same medium, यानी कौन से मीडियम में,
तो डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम से हम लोग भेज रहे थे ना बच्चों, डेंसर मीडियम में। ओके, यहां तक लिखना है, यहां तक लिखना है। एट दिस इंस्टेंट, बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, द एंगल फाउंड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कहा जाता है कब, जब रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल से परपेंडिकुलर चली गई। ठीक है, इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कितना कहां बढ़ाएंगे, तो मोर देन थीटा सी, थीटा सी से आप ज्यादा बढ़ाइएगा, द टोटल इंसिडेंट रे विल बी रिफ्लेक्टेड, टोटल इंसिडेंट रे विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, यानी डेंसर मीडियम में ही चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड, उसके नीचे लिखना, इसके नीचे, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी टी आई आर, इसी को बोलते हैं बच्चे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं टी आई आर, तो नोट करो इसको, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। हो गया बच्चों, चलो टी आई आर हमने पढ़ लिया कि भैया टी आई आर जो होता है वो क्या होता है। तो देखो एक बात इसमें तुम स्पेशल नोट कर लेना, मिटा देना इसको, हाँ मिटा दे। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि टी आई आर जो बच्चो होगा, देखो डेंसर से रेरर में जा रही थी, दूर भाग रही थी, रेरर से डेंसर में से तो नॉर्मल की ओर भागती, तो नॉर्मल की ओर भागती तो हमारा काम नहीं बनता, तो इसलिए जो हो बच्चो टी आई आर का जो प्रोसेस है वो किसमें अकर होगा, तो जब रे जो है वो डेंसर से रेरर में जाएगी, टी आई आर विल occur if light ray is traveling from denser medium to rarer medium, light ray जो है वो डेंसर मीडियम से होके रेरर मीडियम में जा रही हो, तब टी आई आर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो हम लोग कितना टाइम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका। ठीक है, तो अब इसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एप्लीकेशन यानी टी आई आर पढ़ तो लिए, हाँ सर, कि देखिए डेंसर से रेरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है, और जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिफ्रेक्टेड एंगल भी बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि एंगल बढ़ाने पर रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल से पैरेलल जाएगी, उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल बच्चों, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एट दिस एंगल, एट दिस एंगल रिफ्रेक्टेड रेज ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, नॉर्मल से परपेंडिकुलर यानी ट्रेवल अलोंग द सरफेस, रिफ्रेक्टिंग सरफेस के अलोंग जाती है, तो उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब क्या है बच्चों कि क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी आप एंगल ज्यादा बढ़ाइएगा तो पूरी की पूरी इंटरनल रे जो आई जा रही थी रिफ्रेक्ट होने के लिए वो पुनः उसी मीडियम में चली जाएगी, यानी टोटल इंटरनल, टोटल इंसिडेंट रे रिफ्रेक्ट कर जाएगी, जिसको बोल रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कितना गलत गलत बोल रहे हैं, टोटल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कब, जब थीटा सी से ज्यादा एंगल बढ़ाइएगा, तो थीटा सी से जैसे ही ज्यादा एंगल बढ़ाइएगा तो क्या होगा, टोटल इंसिडेंट रे फिर उसी मीडियम में लौट कर वापस आ जाएगी, और इसको तो हम लोग बोलो बच्चों क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
तो जितना गई उतना वापस आ गई, इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम से जाना जाता है। ये अंदर में ही रिफ्लेक्ट कर गई मीडियम टू में यानी डेंसर में, और यह आपको तब देखने को मिलेगा जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही हो, तब देखने को मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल हम कल हम बताएंगे शाइनिंग ऑफ डायमंड, डायमंड इतना क्यों चमकता है। उसके बाद है हमारा जो आम जीवन में तुम देखते होगे रोड पे, अधिकतर तुमको रोड पे बस में बैठे हो या बाइक से चला रहे हो तो तुम रोड को सामने देख रहे हो, गर्मी के दिनों में भी ठंडा के दिनों में भी दिखाई देता है। थोड़ा रोड लंबा होना चाहिए और डे सनी डे होना चाहिए यानी चमकीला धूप वाला दिन होना चाहिए। तो तुमको दिखाई देता होगा कभी कभी कि रोड पे पानी लगा हुआ है, क्या है रोड पे दूर कहीं पानी लगा हुआ है, और जैसे ही उस पानी के नजदीक जाते जाते हो तो वो पानी तुमसे दूर भागता जाता है, वहां पानी नहीं था। फिर कुछ दूर देखोगे तो आगे तुमको और पानी नजर आएगा, लेकिन फिर वहां जाओगे तो पानी नजर नहीं आएगा। तो ये क्यों होता है, तो ये TIR के कारण होता है। क्या होता है, TIR के कारण होता है। तो उसको हम लोग मिराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिराज। अब मिराज कहां से आया है, हाँ इसका संबंध रामायण से भी है, तो इस प्रकार उसको मिराज बोलते हैं। एक होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बच्चों क्या होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर तुम देखे होगे, जैसे तुम मेला में दशहरा में या कहीं मेला में तुम घूमने गए होगे तो तुमको एक लाइट मिलता है, इस तरह से लाइट होता है, की होता है, उसको घुमाओगे तो लाइट जलने लगता है अंदर, और बाहर ब्रश की तरह निकला होता है प्लास्टिक का ब्रश जैसा, इतना लंबा लंबा झाड़ू जैसा बोलते हैं जिसको, निकला रहेगा। अब वो उसमें तुम देखना ध्यान से, लाइट इस तरह से चल के इंड पॉइंट पे खत्म, फिर निकलती है चल के खत्म, फिर निकलती है इंड पॉइंट पे खत्म, वो अंदर लाइट ट्रेवल करती है। तो वो हमारा जो ब्रश टाइप का था फाइबर, धागा फाइबर था जो प्लास्टिक था, वो हमारा ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। तो वैसा ही ऑप्टिकल फाइबर, मतलब उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन है किसका, तो इसका TIR का। तो TIR कहां कहां देखने को मिलता है बच्चों, तो रोड पे आपको चलते चलते नजर आ जाएगा, धूप होना चाहिए, साथ ही में आपको हीरा क्यों ज्यादा चमकता है, तो इस TIR के वजह से चमकता है। और बच्चों ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है तो वो भी बताएंगे, और उसका यूज भी बताएंगे, क्यों ऑप्टिकल फाइबर का यूज आजकल ज्यादा हो रहा है। ओके तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके एप्लीकेशन के साथ। सो बी प्रिपेयर, पढ़ते रहो, एकदम जी जान लगा देना है। ऑल द वेरी बेस्ट।